मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। बीजेपी के मुंब्रा मंडल के अध्यक्ष कुणाल पाटिल ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। इस कैंप में बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे भी पहुंचे थे। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी इन सभी की मुफ्त की जांच और आंखों की मुफ्त टेस्टिंग के साथ सुनने में मदद करने वाली कान की मशीन भी ज़रूरतमंद लोगों को दिया गया है। कुणाल पाटिल ने बताया है कि इस तरह के कैंप लगाने से लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है, ज़रूरतमंद लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आगे भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का आयोजन बीजेपी के तरफ से मुंब्रा में किया जाएगा। इस कैंप के दौरान जो है बीजेपी के विधायक निरंजन डावखरे वहां पहुंचे थे और सुनने में मदद करने वाली कान की मशीन जो है इन्होंने खुद अपने हाथों से महिला बुजुर्गों को दिया है। और इस दौरान क्या कुछ इन्होंने कहा है आपको सुना। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 17 तारीख को ये पंद्रोड़े की शुरुआत हुई है। 17 तारीख को माननीय मोदी जी के जन्मदिन से लेके 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उस दिन तक ये सेवा पंद्रोड़े का काम चालू है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से थाना में बहुत जगह आरोग्य शिविर है, मेडिकल कैंप्स है, ब्लड डोनेशन का कैंप है, ऐसे बहुत सारे आरोग्य से संबंधित कैंप लिए हैं। उसके साथ में स्वच्छता अभियान भी लिया है और विविधता में एकता, इसके भी अनेक उपक्रम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सब जगह हो रहे हैं। आज मुंब्रा में यहाँ पे हमारे जो मंडलाध्यक्ष है कुणाल जी पाटिल, इनके नेतृत्व में यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है। यहाँ पे रेगुलर मेडिकल चेकअप, उसके साथ में चश्मे का भी चेकअप है, चश्मा डोनेशन का भी काम चालू है, कान की मशीन, उसके बाद ऐसे अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे वाटप का भी काम चालू है। निश्चित ही मुंब्रा के सभी रहीवासियों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा विश्वास मुझे है। यहाँ पे इस कैंप के माध्यम से सुबह से 100 से ज़्यादा लोग इस कैंप का लाभ ले चुके हैं और मुझे विश्वास है कि ये पूरा दिन कैंप चलने वाला है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लेंगे।